नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक CFL है। इस कंपोनेंट को आज हम बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। इससे पहले भी आपने मेरे साथ ये कंपोनेंट CATIA V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया, तो चलिए आज हम इसे इन्वेंटर पर बनाते हैं। तो मेरे साथ आप इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ देखिए, क्लोज पर क्लिक किया तो दोस्तों ये वो स्क्रीन है जो जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। तो यहाँ से मैंने पहले न्यू पर क्लिक किया, देखिए ड्रॉप डाउन में फिर से न्यू आता है। न्यू पर क्लिक किया मैंने एक बार और। अब एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स होता है, यहाँ पर देखिए मेट्रिक पर सिलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद स्टैंडर्ड MM.IPT, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक नई फाइल ओपन होकर हमारे सामने आएगी जो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा स्क्रीन इसका। तो यहाँ से देखिए ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे मैंने इसे एक्सपैंड किया और इसके जो ये YZ XZ और XY प्लेन्स हैं, इन तीनों पर एक एक करके कंट्रोल की मैंने प्रेस की हुई है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, और तीनों को सेलेक्ट किया और किसी भी एक पर कर्सर को ले जाकर राइट क्लिक किया और उसके बाद विजिबिलिटी पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे अब मुझे प्लेन्स नज़र आएंगे। मैंने यहाँ से होम पर क्लिक किया तो देखिए तीनों प्लेन्स मुझे दिखाई देने लगे। थोड़ा सा मैं और इसे टिल्ट कर देता हूँ इस तरह से। ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए स्क्रॉल बटन और शिफ्ट की को दोनों को एक साथ दबाएंगे तो ऑर्बिट एक्टिव हो जाएगी, जैसे कि सेम ऑटोकैड 3D में होता है। तो बिल्कुल वही तरीका है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाकर देखने के लिए। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्बिट में जाने के लिए ये नेविगेशन बार दे रखी है, यहाँ पर आपको ऑर्बिट के अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर हम इस कॉम्पोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन में आता है स्टार्ट 2D स्केच, तो उस पर दोबारा क्लिक किया। अब यहाँ से देखिए ये जो प्लेन नज़र आ रहा है मुझे, ये XZ प्लेन है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से सर्कल और इधर एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक बाहर और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, डायमेंशन पर गए, इसकी पेरिफेरी पर क्लिक किया, देखिए डायमेंशन दिखाई देने लगी, एक क्लिक और किया। अब जो बॉक्स ओपन होकर आता है इसको चेंज करेंगे हम वैल्यू को, डायमीटर की 55 टाइप करके एंटर प्रेस किया और यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक कर दिया। इस तरह से देखिए इसको जूम आउट किया हमने और एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑब्जेक्ट हमें एक्सट्रूड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से इसे ड्रैग करके डायरेक्शन को नीचे की तरफ लेकर गए हम, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसको चेंज करके हम कर देते हैं 18 और एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकल आते हैं। अब इसको फिलेट करेंगे हम, ये देखिए फिलेट पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर वैल्यू दे दी 3 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद इस एज पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। ओके, अब इसे हमने ऑब्जेक्ट को घुमाया इस तरह से। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर शेल कमांड नज़र आ रही है, शेल पर क्लिक किया, इससे हमें खोखला करना है। तो रिमूव फेसेस, देखिए ये जो एरो जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करूँगा मैं, अभी भी नहीं आया। देखिए कर्सर के साथ प्लस का निशान आना चाहिए, देखिए फिर से मैंने क्लिक किया, अब देखिए आया प्लस। अब ये फेस जो है इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर थिकनेस ले ली 2.5 और एंटर प्रेस किया, ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये हॉलो हो गया, ये इस तरह से। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक सेक्शन बनाना है अभी, स्टार्ट 2D स्केच। ओके, इस बार ये प्लेन लेते हैं हम, ये। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब लाइन ये देखिए, ये पॉइंट लिया यहाँ से नीचे एंगल और ये फिर सीधे एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। अब यहाँ से डायमेंशन इस लाइन पर क्लिक किया, इसकी डायमेंशन चेंज करके कर दी 12। इस लाइन और इस लाइन के बीच में 18, सॉरी 20, इसे कर देंगे 20, 20 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब इस पॉइंट और ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है इस बीच में, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा इसे हमें चेंज करना होगा,
एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलेंगे। इसको दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ से टिल्ट करके देखते हैं। अब डायमेंशन पर क्लिक करते हैं, एक क्लिक इस पॉइंट पर और एक क्लिक इस पॉइंट पर। अब इन दोनों के बीच का देखिए गैप हमें यहाँ से मैनेज करना, ये हो जाएगा 2.5। ये लाइन ऐसे आगे बढ़ जाएगी। अब फिर से यहाँ गए हम फ्रंट पर आ जाते हैं यहाँ से। अब जो है यहाँ से इसको ऑफसेट करना है। अब देखिए एस्केप दबाकर बाहर निकलते हैं कमांड से। ये देखिए ये प्रोजेक्ट हो गई थी लाइन, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये इस तरह से कुछ आएगा। अब देखिए यहाँ से डायमेंशन, ये लाइन को लिया, इसे कर देंगे हम 10 mm, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो चलिए अब इसे ऑफसेट करेंगे हम। ऑफसेट के लिए देखिए ये ऑफसेट कमांड है, इस पर क्लिक किया और ये जो पूरी चेन है इस पर क्लिक किया। अब देखिए इस तरह से आ रही है। अब जो बॉक्स है यहाँ पर वैल्यू हम टाइप करेंगे 2.5 और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये ऑफसेट हो गई लाइन, लाइन पर क्लिक किया। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दिया हमने आपस में और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। इसके बाद लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसे भी मिलाकर हमने ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। अब देखिए ये एक लाइन यहाँ नज़र आ रही है, इसे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ये लाइन जब भी हम कमांड किसी भी कमांड में जाने के बाद अगर हम किसी एज पर जाते हैं तो वो हाईलाइट होने के बाद जो है वो प्रोजेक्ट हो जाती है। अब देखिए इसको हम अगर घुमा कर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से बनाना है। ये लाइन हमें इतनी ही चाहिए और ये जो प्रोफाइल बनाई है ये क्लोज होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। अब हम फिर से ये फ्रंट पर क्लिक कर दिया हमने तो ये ऐसे आ गए हम। अब एक लाइन ली हमने यहाँ से, ये जो हमें ये देखिए ये सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ एक खड़ी हुई लाइन बना दी। ये रेफरेंस के लिए हम बना रहे हैं। अब देखिए ये अगर ये बनी है लाइन तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और एक बार फिर से हम इसे घुमा के चेक कर लेते कहीं कोई लाइन तो नहीं प्रोजेक्ट हो गई है। देखिए लाइन हमें नज़र तो नहीं आ रही। यहाँ से स्केच फिनिश हो गया है, हमने स्केच को फिनिश कर दिया। अब यहाँ से लेंगे हम क्या रिवॉल्व, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया अपने आप ऑब्जेक्ट, और ये जो एक्सिस है इसका वो ये है, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से बना हुआ नज़र आएगा। ओके, तो चलिए एक सेक्शन हम और बनाते हैं, स्टार्ट 2D स्केच। ये प्लेन पर क्लिक किया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर से गए लाइन में, इस बार ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट तक आगे बढ़े, नीचे आएंगे, एंगल लिया और यहाँ से अब इसे क्लोज कर देंगे। ओके, तो चलिए ये देखिए अगर ये लाइन बनी हुई है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब डायमेंशनिंग कर लेते हैं, ये लाइन हो जाएगी 15 और इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस 18, और इसे हम कर देते हैं 8 और अब इसे थोड़ा हम घुमाएंगे ऑब्जेक्ट को। शिफ्ट की मदद से हमने घुमाया ऑब्जेक्ट को। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये गैप है इसे हम करेंगे 0 इस तरह से, और फ्रंट पर क्लिक किया दोबारा। अब यहाँ से ये देखिए ये 2.5 होना चाहिए, फिर डायमेंशन में ही है। एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। ये पॉइंट का सिलेक्शन के लिए हमें थोड़ा सा इसे टेढ़ा करना पड़ेगा तभी ये पॉइंट सेलेक्ट होगा। पॉइंट पर क्लिक किया मैंने, अगला क्लिक जो है इसे घुमाने के बाद यहाँ पर कर दिया। देखिए अगर ये 2.5 आ रहा है तो ये सही है। क्लिक किया हमने, देखिए कैंसिल कर दिया, चेक कर लिया हमने 2.5, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश स्केच पर क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन हमें अभी इसको ऑफसेट करना था तो मैं यहाँ स्केच 3 पर डबल क्लिक करूँगा तो फिर से ये स्केच एक्टिव हो जाएगा।
चलिए अब हम ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ये देखिए वैल्यू दी 2.5 अंदर लाकर, और अब इसे हम क्लोज कर देंगे। लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर, एक क्लिक ऐसे बंद कर दिया इसे यहाँ से, और यहाँ से भी इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। और ये देखिए ये जो लाइन दिख रही थी इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एक हम लाइन बनाएंगे और ये जो होगी ये एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन होगी। देखिए फिर जब हम वहाँ गए थे तो फिर ये लाइन हाईलाइट होकर प्रोजेक्ट हो गई थी। इन प्रोजेक्टेड लाइंस को हटाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये नहीं हटेंगी तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने, और यहाँ से रिवॉल्व पर क्लिक किया, ये सेक्शन सेलेक्ट हो गया, और ये है एक्सिस। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा अब दिखने लगा। नीचे वाला पोर्शन जो है सीएफएल का बन गया। अब यहाँ से हम यहाँ से मैंने होम पर क्लिक किया, इस तरह से नज़र आ रहा है ये। अब स्टार्ट 2D स्केच, अगला क्लिक यहाँ इस प्लेन पर। अब यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ बीच में सेंटर होगा इसका, और एस्केप दबाया बाहर निकले। व्यू पर क्लिक किया, विजुअल स्टाइल और वायर फ्रेम ले लिया, देखिए ये हमें नज़र आने लगा। अब यहाँ से स्केच पर क्लिक करेंगे दोबारा, डायमेंशन एक क्लिक इसकी सर्कमफेरेंस पे, इसे ले लिया 3 mm, और डायमेंशन ये यहाँ से ऐसे, इससे हम ले लेते हैं 5, नहीं इसे ले लेंगे हम 7। ऐसे फिनिश स्केच, लेकिन देखिए ये लाइन यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। फिर से स्केच 4 में डबल क्लिक करेंगे, और ये जो लाइन प्रोजेक्ट हो गई थी इस पर क्लिक करके डिलीट, ये डिलीट कर देंगे। फिनिश। अब देखिए यहाँ पर एक पीले रंग की लाइन जो नज़र आ रही थी वो नहीं नज़र आ रही है। अब यहाँ से हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस साइड एक्सट्रूड हो रहा है, इसे हम ले लेंगे यहाँ से, देखिए सिमेट्रिक। और यहाँ पर वैल्यू हम धीरे धीरे इसकी चेंज करते हैं, यहाँ फ्रंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें नज़र आएगा 18 है, 18 की जगह हमने इसे कर दिया कितना 22, एंटर प्रेस किया, 25, 30 ले लेते हैं हम इसे, 30 ले लिया, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। यहाँ से व्यू, विजुअल स्टाइल्स, रियलिस्टिक, ये देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। जो सीएफएल में या बल्ब्स में नीचे की तरफ जो जो पोर्शन होल्डर के अंदर इंसर्ट होता है उसके अंदर ये दो प्रोजेक्टेड पोर्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्लैंपिंग हो जाती है, रुक जाता है बल्ब होल्डर के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 3D मॉडल, स्टार्ट 2D स्केच, ये ऊपर वाला जो सरफेस है इस पर क्लिक किया। यहाँ पर अब हम एक सर्कल बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बीच में सेंटर, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, डायमेंशन सर्कमफेरेंस पर क्लिक किया, इसकी डायमेंशन को चेंज करके कर देंगे हम 6 mm का डायमीटर। और यहाँ से ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 20, और ये तो सेंटर पर ये जो इसके अलाइंड बनाई हुआ है। फिनिश स्केच पर क्लिक किया, लेकिन देखिए ये लाइन हाईलाइट हो गई आपकी, प्रोजेक्ट हो गई। स्केच 5 पर डबल क्लिक करके दोबारा जाते हैं, इस लाइन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इरेज कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब ये स्केच बना हमारा। अब यहाँ से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड का डायरेक्शन यहाँ से देखिए चेंज किया, अब ये कट हो रहा है, 30 mm की जगह इसे हमने ले लिया कितना 5 mm ले लेते हैं, ओके। और ये देखिए कट ये एक्टिव हो जाएगा अपने आप जब नीचे की तरफ ले जाएंगे, ओके पर क्लिक कर दिया, और घुमा के इसे देखते हैं तो ये होल हमें ऐसे नज़र आ रहा है। अब इसे हम सर्कुलर पैटर्न करेंगे, देखिए यहाँ से लिया सर्कुलर पैटर्न, यहाँ पर फीचर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए प्लस नहीं आया, प्लस का साइन जो है कर्सर के साथ नहीं आ रहा, दोबारा
फीचर पर क्लिक करेंगे, इस बार आया और एक्सट्रूजन 3, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब रोटेशन एक्सिस, ये एरो पर क्लिक किया, रोटेशन एक्सिस जो है ये सरफेस पर क्लिक कर देते हैं, हाँ ये हो गई। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये ले लेते हैं, ये 360 होना चाहिए, और ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए 8, 8 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये देखिए 8 होल इस पर बने हुए में नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं, जिसका मेन फीचर हमें जो बनाना है वो, पहले तो हम इसमें एक्सिस बनाएंगे। देखिए एक्सिस बनाने के लिए ये लेंगे, थ्रू सेंटर ऑफ सर्कुलर और इलिप्टिकल एज, इस पर क्लिक किया मैंने एक, देखिए ये एक्सिस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब फिर से मैं जाता हूँ, उसी कमांड को लेता हूँ और इस बार मैंने ये ले लिया। अच्छा अब ये दोनों एक्सिस क्रिएट हो गए। अब मुझे इन दोनों एक्सिस से होकर जाने वाला एक प्लेन क्रिएट करना है, तो उसके बाद उसके लिए मैं लूँगा ये टू को प्लानर एजेस, इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, एक ये और एक ये, एक एक करके बगैर कंट्रोल की प्रेस किए देखिए मैंने ये प्लेन क्रिएट किया, दोनों एक्सिस को सेलेक्ट किया, तो एक ऐसा प्लेन जनरेट हो गया जो इन दोनों एक्सिस से होकर जा रहा है। चूंकि हमें इस पर अभी एक पाथ बनाना है, इसलिए हमें ये प्लेन बनाना ज़रूरी था। अब स्टार्ट 2D स्केच, अब इस प्लेन पर क्लिक किया मैंने, देखिए इस तरह से हमें नज़र आने लगा। अब थोड़ा सा इसे यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर लिया हमने, टिल्ट कर लिया स्केच बनाने के लिए। अब यहाँ से लिया हमने लाइन कमांड, और ये देखिए ये यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा। ये इस पर क्लिक किया हमने, लाइन देखिए प्रोजेक्ट हो गई थी अपने आप। अब यहाँ से पहले तो हम यहाँ पर ये देखिए, ये जो एंगल की वैल्यू इधर चेंज हो रही है, इसे हम करेंगे कितना, मैंने टैब दबाया, इसे हमने कर दिया 180, फिर टैब दबाया, इसे अब करेंगे हम 65, इस बार एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए बिल्कुल खड़ी हुई सीधी लाइन बन जाएगी। ओके और एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकल आए। अब फिर से जाएंगे लाइन में, इस बार हमें लेना है इधर से, देखिए यहाँ पर जैसे ही गए ये देखिए, अब ये लाइन प्रोजेक्ट हुई और ये इसका मिड पॉइंट मिल गया हमें, सेंटर इसका सर्कल का। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, देखिए टैब दबाएंगे, एंगल की वैल्यू देंगे 180, फिर टैब दबाएंगे, इस बार लाइन की वैल्यू देंगे 65 और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये लाइन बन जाएगी। इस बार हमको करना क्या है कि केवल इस वाले पॉइंट से जोड़ देना है हमें, ठीक है। अब फिलेट करेंगे, देखिए फिलेट कैसे होगा, ये है फिलेट, यहाँ पे वैल्यू देंगे 3 mm, 3 टाइप किया और टैब, टैब नहीं हमें एंटर दबा दिया हमने, तो 3 हो गई। फिर से फिलेट पर क्लिक किया, देखिए आपकी 3 mm की वैल्यू आ रही है, एक क्लिक इस लाइन पर, एक क्लिक इस लाइन पर, ये देखिए ये फिलेट हो गया, फिर एक क्लिक इस लाइन पर और एक क्लिक इस लाइन पर, ये भी फिलेट हो गया। तो यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन आपकी प्रोजेक्ट हो गई थी, हाईलाइट हो गई थी, इसे डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके, फिर सेलेक्ट किया डिलीट, हो सकता है दो बार हो तो दो लाइनें हो तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा। देखिए इस अब कोई भी लाइन नहीं है, केवल ये पाथ बना है हमारा, फिनिश स्केच पर हमने क्लिक कर दिया, तो ये हमारा एक पाथ क्रिएट हो गया उसका। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट 2D स्केच ये हो गया। इस बार मैंने प्लेन ये वाला सरफेस ऊपर वाला ले लिया। अब देखिए मुझे यहीं पर बनाना है, यहाँ से मैंने व्यू विजुअल स्टाइल शेडेड विद एजेस लिया, तो देखिए एजेस भी अब दिखने लगी मुझे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब स्केच पर दोबारा क्लिक किया, सर्कल एक यहाँ से, ये जैसे ही सेंटर है ये, यहाँ जाएंगे, ये देखिए प्रोजेक्ट हो गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया और दोबारा इस पर क्लिक किया, फिनिश स्केच, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ये दो ऑब्जेक्ट तो नहीं बन गए, इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए
स्केच 7 पर डबल क्लिक किया, एक्टिव हो गया, है ना। अब इसे हम शिफ्ट की मदद से टिल्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट किया और डिलीट किया। देखिए दो ऑब्जेक्ट बने हुए थे। ये स्वीप जब हम इसे यूज़ करते हैं, स्वीप यूज़ करते हैं इसमें, तो हमें दिक्कत होती। ये देखिए अब हमने इस ऑब्जेक्ट को चेक करके देखा कि हाँ ये डबल बना हुआ था, ओवरलैप हो गया था, एक प्रोजेक्ट भी हो गया था और एक हमने बना भी दिया था, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिनिश स्केच पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से हम स्वीप करेंगे, स्वीप कमांड ये रही, स्वीप पर क्लिक किया। ये देखिए ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया आपका। अब पाथ में हम आते हैं, देखिए पाथ ये लिया और ये स्वीप हो गया यहाँ से, ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कि इसको पैटर्न करेंगे, पैटर्न सर्कुलर पैटर्न करेंगे हम, सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया। अब फीचर देखिए प्लस का मार्क नहीं आया, दोबारा क्लिक किया इस पर, इस बार आ गया। स्वीप वन यहाँ से ले लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा पैटर्न के लिए। अब दोबारा इस रोटेशन एक्सिस वाले एरो पर क्लिक करेंगे, रोटेशन एक्सिस के लिए हमने ये सरफेस ले ली, देखिए रोटेशन एक्सिस भी आ गया आपका। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो चार होंगे, चार टाइप करके टैब दबाया हमने, ये 360 होना चाहिए, यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए अब ये CFL यहाँ से तैयार हो गया। अब हम क्या 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 करेंगे कि इसके जितने प्लेन्स हैं ये हम विजिबिलिटी इसकी खत्म कर देंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे विजिबिलिटी इनकी, इन सबको प्लेन्स को ऑफ कर दिया, हाइड कर दिया। ये जो एक्सिस नज़र आ रहा है इसकी भी विजिबिलिटी हमने ऑफ करके इसे भी ऑफ कर दिया, यानी हाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका अपीयरेंस चेंज करना, कलर वगैरह चेंज करना, तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे क्या, ये स्वीप है, स्वीप पर गए और सर्कुलर पैटर्न पर गए, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें कहीं प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज नज़र आ रहा है, एज बॉडी पर देखा, यहाँ क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन में देखिए लिस्ट आ रही है। यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वाइट, अल्फाबेटिकल है इसमें सब कुछ, तो वाइट ये देखिए ये नज़र आया, वाइट पर क्लिक किया आपने, ओके पर क्लिक किया। ये देखिए ये जो फ्लोरोसेंट वाला पोर्शन है इसमें, जो जो पोर्शन लाइट एमिट करता है वो वाइट में होना चाहिए, तो वाइट आ गया। नीचे वाला पोर्शन जो है इसका, जिसमें बाकी सारी चीज़ें हैं आपका, ये जो हाउसिंग बनी हुई है इसकी वायरिंग के लिए, और ये यहाँ जो ये होल्डर है इसका कलर भी चेंज करते हैं। तो यहाँ से एक्सट्रूजन फिलेट शेल रेवोल्यूशन 1, रेवोल्यूशन 2, एक्सट्रूजन 2, एक्सट्रूजन 3 और सर्कुलर पैटर्न, इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और एज बॉडी यहाँ पर अब हम देखेंगे डार्क ग्रे, ये रहा डार्क ग्रे, ओके। ये देखिए इस तरह से ये इनका कलर चेंज हो जाएगा। मैं आपने देखा ही है, मैं लगभग हर एक वेल नोन जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं लगभग सभी पर मेरे ट्यूटोरियल्स आते हैं, तो जो अपीयरेंस या ये कहिए कि जो मटेरियल प्रॉपर्टीज इसमें दिखाई देती हैं इन्वेंटर में, वो मुझे और किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाई देती। क्योंकि इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट के कलर्स को चेंज करते हैं या इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, तो ये इतना रियलिस्टिक दिखाता है जितना मैंने और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं देखा। देखिए बिल्कुल ये एक CFL की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था आपका CFL इन ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, जो इस चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।